सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति से देश की राजनीति में गहमा गहमी बरकरार। कोलेजियम एक बार फिर से सवालों के घेरे में। एनआईए ने की यूपी, पंजाब और जम्मू में एक बार फिर से छापेमारी। आईएसआईएस के मॉड्यूल की तलाश में 9 गिरफ्तार। पीलीभीत में कई दिनों से फरार हत्या का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के साथ रिवॉल्वर कारतूस भी बरामद। आगरा के निबोहरा में लापता 8 वर्षीय बालक का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मिर्जापुर में रफेल डील की जांच जेपीसी से कराने को लेकर लोगों का प्रदर्शन। हाथों में तिरंगा लेकर निकाला पैदल मार्च। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शेखर मिश्र और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में छापेमारी की है। इन छापों के दौरान एनआईए ने 9 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान एनआईए बुलंदशहर भी पहुंची, जहां हबीब हुसैन नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा के दौरान यह सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि एनआईए पहले भी आईएसआईएस के मॉड्यूल को खुलासे के लिए यूपी के रामपुर, मेरठ, हापुड़ समेत कई स्थानों पर छापेमारी करके कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति ने कोलेजियम की सिफारिश को मानते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया। इन नियुक्तियों पर बार काउंसिल समेत तमाम न्यायाधीशों ने इसका विरोध किया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया वरीयता क्रम में जस्टिस महेश्वरी 21वें और जस्टिस खन्ना 33वें नंबर पर हैं। इसी वजह से इन न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एक बार फिर से कोलेजियम पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी तक यूपी पुलिस पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगता था, लेकिन इस बार इन पर स्वयं भूमाफिया बनने का मामला सामने आया है। अवैध कब्जे का विरोध करने पहुंचे लोगों के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत करने पहुंचे सपा नेताओं से डीएम ने जमकर बयानबाजी की। आक्रोशित सपाइयों का रुख देखकर डीएम सुरेश कुमार बैकफुट पर आ गए और सपा नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर मामले का निस्तारण कर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके साथ जो भी उनके पार्टी के प्रमुख जनप्रतिनिधि, एक इशू शायद जलालपुर में एक महाविद्यालय है और जलालपुर थाने की बाउंड्री का कोई डिस्प्यूट हुआ है, उसको लेके एक ज्ञापन देने आए थे और उनकी मांग ये थी कि साहब कल बिना पैमाइश किए शायद निर्माण थाने का प्रयास हुआ कि निर्माण कराया जाए। उनका ये कहना है कि निष्पक्ष रूप से अगर इसकी पैमाइश हो जाए, थाने की ज़मीन अपनी जगह पर थाना रहे और विद्यालय की ज़मीन अपनी जगह पर, उसमें पैमाइश की बात थी और उनका ये कहना था कि इस पैमाइश या दीवार निर्माण के समय उस थाने के कर्मचारियों ने उनके किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनका ये कहना कि भाई इसको भी जांच करा के कार्रवाई की जाए। कल जलालपुर थाने के द्वारा मुलायम सिंह यादव महिला महाविद्यालय जलालपुर की जो खतौनी की भूमि है उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया। और वहाँ पर जब प्रबंधक फूलचंद यादव जी, उनके बेटे और अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के नेता हैं, ये लोग पूछने के लिए गए तो वहाँ बहुत ही इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, हाथापाई किया और फिर अखिलेश को ले जाकर। गाजियाबाद में सिहानी गेट पुलिस ने लुटेरों के गैंग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से करीब 20 किलो चांदी बरामद हुई है। यह चांदी कोई आम चांदी नहीं है, बल्कि यह चांदी एक केमिकल्स में प्रयोग होने वाली शुद्ध चांदी है, जिसका करीब 70 किलो बारूद राजस्थान के अलवर से नवंबर महीने में लूटा गया था। एक फैक्ट्री में बदमाशों ने जाल बिछाकर लूटपाट की थी। फैक्ट्री के दीवारों से कूदकर लुटेरे अंदर दाखिल हुए थे और वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर 70 किलो चांदी और अन्य सामान लूट लिया था और फरार हो गए थे।
घंटे से। इनका ये पूरा प्रोफाइल है कि इसमें से कुल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक मिंटू जो मास्टरमाइंड है, ये लोग 6 मिलकर के पहले भी अलवर में खुसखेरा एक थाना पड़ता है, वहाँ 25 नवंबर की रात इन्होंने डकैती डाली थी एक केमिकल फैक्ट्री में जो नरेश अग्रवाल की थी। वहाँ उन्होंने कुल 70 किलो चांदी की लूट की थी। इसके अलावा पूर्व में भी मिंटू जेल जा चुका है और ये अलवर जेल में इन्होंने पहले भी प्लानिंग बनाई थी डकैती की। और इसके अलावा मोदीनगर और बदायूं के भी कुछ अभियुक्त थे जो इसके साथ घटना में थे। सर क्या बरामदगी है इनके पास से और अभी जो बाकी का जो चांदी है उसका इन्होंने क्या क्या कुछ? इनके पास से अभी 20 किलो 300 ग्राम चांदी बरामद हुई है। इसके अलावा 360,000। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गैंगरेप पीड़िता के आत्महत्या मामले में आज एक नया मोड़ आया है। नाराज परिजनों ने इंसाफ न मिलने से शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। बड़ी संख्या में गांव वालों के साथ शव को लेकर रोड जाम करने की मंशा से निकले ही थे कि पुलिस के इसकी भनक लग गई और उन्होंने गांव के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे लोगों का काफिला रोक लिया। इसके बाद करीब 2 घंटे तक पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन मामला तूल पकड़ता इससे पहले ही पुलिस ने उस पर काबू पा लिया। जिन व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया था उनके विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई के लिए आवेदन किया है, हम उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। और जो पीड़िता है जिसने उन कारणों से जिससे वो व्यथित थी आत्महत्या की है या जो भी चीज़ें आई हैं सामने, अब इन्वेस्टिगेशन में हम लाएंगे उसको और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ में हम ऐसे कोई अधिकारी नहीं उत्तर प्रदेश में जहां हम और हम महिला के साथ में हमारी औरत के साथ में जहां गए ना हो, अपनी मजबूरी नहीं सुनाई हो और हमें न्याय नहीं मिला आज तक। 6 महीने बाद भी न्याय नहीं मिला। कहां कहां गए आप? ये हम सबसे पहले करनैलगंज थाने गए, फिर सीओ साहब के यहाँ गए, फिर SP के यहाँ गए, फिर एडिशनल के यहाँ गए, फिर DIG के यहाँ गए, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ गए, फिर DGP के यहाँ गए। एक बार नहीं 10-10 बार गए हर जगह और यही गुहार लगाते रहे हमें न्याय दिला दो, लेकिन ये करनैलगंज थाने वालों ने न्याय नहीं दिलाया। एक दिन भी यहाँ जांच करने नहीं आई पुलिस। एक दिन वही कमरे पे बैठ के जो भी आते थे कंप्लेंट कमरे पे ही बैठ के लिख के और वहाँ वापसी भेज देते थे। हमें न्याय नहीं मिला। अभी एक हफ्ते पहले हम महिला के साथ में एडिशनल साहब के यहाँ गए न्याय के लिए, वो बोले आपकी महिला खराब है इसलिए नहीं न्याय मिल रहा है, इसलिए हमारी महिला ना उसको न्याय नहीं मिला। वो मजबूरी में सोची कि अब एडिशनल से बड़ा गोंडा जिला में कोई। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कटघर में पुलिस टीम को अचानक 2 संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया और भागने का प्रयास किया। इतने में पुलिस ने गोली चलाई जो बाइक पर पीछे बैठे बदमाश को लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटघर थाना क्षेत्र में काशीपुर दराय की तरफ से जब कटघर मोबाइल गश्त करते हुए आ रही थी तो एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो दोनों बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ एक कच्चे रास्ते की तरफ भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन पर फोर्स इस्तेमाल करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस के द्वारा जब जवाबी फायरिंग की गई तो उनमें से एक व्यक्ति जो बाइक पर पीछे सवार था उसके पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा जो अभियुक्त था वो बाइक लेकर भागने में सफल रहा। उसके बाद जब बातचीत की गई तो अभियुक्त की पहचान जो धर्मपाल के रूप में हुई है, जो कि मुरादाबाद जनपद से 10,000 रुपये का इनामी वांछित चल रहा था कटघर की लूट में और रामपुर शाहबाद थाने से। प्रदेश में कई जनपदों में आज आयकर विभाग की टीमें प्राइवेट डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापामारी कर रही हैं। मुरादाबाद जनपद में आयकर विभाग की टीम 15 सदस्यों के साथ गल शहीद थाना क्षेत्र में मशहूल बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PK खन्ना के आवास पर क्लिनिक और घर पर छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम डॉक्टर PK खन्ना के आवास से बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। अंदर नहीं घुसने दिया मुझे। क्या कह दिया? आज नहीं है। अच्छा। बच्चों को दिखाना है तो? हाँ, बच्चों को दिखाना है। कब लगाया था नंबर? नंबर सुबह लगाया, 4 बजे आ गए, 8 बजे नंबर लिखने शुरू हो गए। सुबह 4 बजे लगाया? हाँ, सुबह 4 बजे लगाया। तो आप क्या कह रहे हैं? क्या बच्चे को परेशानी? क्या परेशानी? तबियत खराब थी, बुखार खा। किसने रोका? पुलिस वाले हैं, उन्होंने रोका। कुंभ की तैयारियों में आज एहतियातन पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ प्रयागराज की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। साथ ही वाहनों की चेकिंग के साथ सघन तलाशी भी ली गई। पुलिस अधीक्षक अवनीश मिश्र की अगुवाई में सैकड़ों पुलिस कर्मियों और BSF के साथ मार्च निकाला गया।
बता दें कि प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले के मद्देनजर पड़ोसी जनपदों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर आईटीबीपी और बीएसएफ की दो कंपनियों को जिले में तैनात किया गया है। प्रयागराज का सीमावर्ती जिला है और क्योंकि प्रयागराज में कुंभ चलना है उसके लिए हमें जो है पैरामिलिट्री फोर्स मिली हुई है। जो तो प्रतापगढ़ के जो भी अपराधी हैं या असामाजिक तत्व हैं उन पर लगाम कसने के लिए ये रूट मार्च, उसके बाद चेकिंग और जो संवेदनशील मोहल्ले हैं, गाँव हैं, उनका भ्रमण। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज में कुंभ में शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक और कई कैबिनेट मंत्रियों ने राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। स्वागत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संगम नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा दर्शन और पूजन किया। चीन से लेकर अरब देशों तक फैले अंधविश्वास के चलते विलुप्त हो रहे दो मुहे सांपों को जीआरपी और आरपीएफ ने कुशीनगर के पनिहवा रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। विज्ञान की भाषा में एरिक्स जोहनी के नाम से पुकारे जाने वाले इस दुर्लभ प्रजाति के को बाहर भेजने के लिए तस्कर सत्याग्रह एक्सप्रेस से दिल्ली ला रहे थे। बिहार प्रांत से आने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन की पनिहवा रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान बालू भरे झोले में जीआरपी और आरपीएफ ने इसको बरामद किया है। बरामद दो मुहे सांप की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तस्कर भागने में सफल रहा है। दुर्लभ प्रजाति के सांप को जीआरपी ने वन रेंज के हवाले कर दिया है। वन विभाग ने इस दुर्लभ प्रजाति के सांप को उचित जगह पर छोड़ने की तैयारी कर ली है। ये सांप जो है पनिहवा रेलवे स्टेशन पर जो है आरपीएफ कर्मियों द्वारा बिहार दिल्ली जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस की चेकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान उन्हें एक लावारिस बैग में ये मिला। छानबीन मालूम हुआ कि दो मुहा सांप है और उसको वन विभाग खड्डा रेंज को हैंडओवर किया गया। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।